हेलो फ्रेंड्स, इसमें मालचा टुडे एपिसोड एक्टिव लाइन लेकर आ चुकी हूँ मैं आपके पास। अब तक आपने देखा काबिल के खिलाफ एक और सबूत मिल गया है और जो सीरियल के पास है और उसके बोलने से रीना उसे विश्वास भी कर लेगी और काबिल का सच रीना के सामने आ जाएगी, लेकिन वो सच भी रीना के सामने नहीं आ पाती क्योंकि आर्यन और चंचल ने उसे किडनैप कर लेती है काबिल से पहले और काबिल भी उसे ढूंढते हुए वी आर एंसर में आ जाएंगे। आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप कोई वीडियो मिस ना कर जाए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज का एपिसोड स्टार्ट होगी जब रिद्मा अपना वॉशरूम में कुछ कर रही होती है और वहाँ बेसमेंट में रखा सेजल बहुत ज़ोर ज़ोर से रिद्मा से नाम से फुकर रही होती है और रिद्मा को उस आवाज़ अपने बेसिन से सुना देती है और एक बार नहीं बहुत बार ये आवाज़ सुनाई देने से बाद उसे रियलाइज़ होता है कि सेजल इसी वीआर मैंसन में है और वो पता करने के लिए जाती है कि इस बेसिन का पाइप का सोर्स क्या है और वो कहाँ ख़त्म होती है। लेकिन वहाँ सेजल की आवाज़ सुनकर आर्यन और चंचल बहुत डर जाती है और उसके पास भागकर जाके उसे मुंह में कपड़ा बांध देती है और उसे चुप करने के लिए कहती है और चंचल सेजल के माथों पे एक रॉड से हिट करती है और चंचल सेजल को पूछती है कि बताओ लेकिन अगर कुछ पास्ट के बारे में कुछ भी जानते हो तो वो बता दो, लेकिन सेजल बताने से मना कर देती है। तो आर्यन पूछती है कि तुम्हें अपना लाइफ से बरकरार है क्या रिद्मा के साथ अपना फ्रेंडशिप, तो अगर अपना ज़िंदगी बचाना चाहती हो तो रिद्मा के बारे में सब कुछ बता दो नहीं तो मारो फिर। और एक कहकर चंचल और आर्यन वहाँ एक दीवार खड़ा कर देती है जिससे सेजल का कोई ढूंढ ना पाए और दीवार खड़ा कर देती है और एक तरफ सिया रिद्मा के पास आती है और आकर उसे कहती है भाभी आइसक्रीम खाओगे, तो रिद्मा यहाँ सेजल को ढूंढने में बहुत बिजी है और वो कहती है नहीं सिया आइसक्रीम नहीं खाओगी अभी तुम खाओ, मुझे एक बात बताओ यहाँ हमारे घर की सब ड्रेनेज सिस्टम कैसी है इसका पाइप कहाँ जाती है, तो सिया कहते हैं कि हमारे सारे ड्रेनेज पाइप बेकार में है और एक ड्रेनेज पाइप जो आपके रूम के ड्रेनेज पाइप वो बेसमेंट में है, तो रिद्मा को शक हो जाती है कि सेजल बेसमेंट में है और उसे ढूंढने के लिए वो बेसमेंट पहुँच जाती है। लेकिन सेजल और आर्यन पूछते हैं कि तो बताओ रिद्मा के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी बताओ, उसका कोई बॉयफ्रेंड था या फिर कुछ, अगर नहीं बताती हो तो यहाँ पे मर जाओ। और रिद्मा यहाँ सोचती है कि हम भी सेजल का कुछ नहीं होने देंगे, हम सेजल को बचा लेंगे, मुझे लगता है सेजल कुछ मुसीबत में है, हमें उसे ढूंढना होगा। और ये कहकर वो बेसमेंट में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर किसी को देख नहीं पाते क्योंकि यहाँ देखा थी कि सेजल को आर्यन और चंचल ने छुपा दिया क्योंकि उन दोनों को रिद्मा के आने से पहले उसे आने के एहसास हो गया था और इसलिए रिद्मा वहाँ जाकर किसी को देख नहीं पाती और वो सोचते कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो मुझे क्या छोड़कर यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं देती है, तो सेजल यहाँ पे नहीं है। और वहाँ देखा थे कि अनुप्रिया भी उसके पीछे पीछे आ गए थे और उसे नज़र रख रही थी, तो उसे लगता है कि अगर रिद्मा को सेजल को नहीं मिला तो इसका मतलब सेजल यहाँ नहीं है और यह सोचकर वो बहुत ही कॉन्फिडेंट वहाँ से चली जाती है, लेकिन सेजल तो वहाँ पर ही है और रिद्मा वहाँ से जाने से पहले उस दीवार पर उसका हाथ लगती है तो उसे वो भीगी हुई दिखाई देगी और इसे उसे शक हुआ कि ये दीवार थोड़ी देर में यहाँ से नहीं थी, यहाँ पर थोड़ी देर पहले किसी ने इस दीवार को खड़ा किया और तब वो उस दीवार को गिराने के लिए एक हथियार उठाती है और वो देख कर आर्यन और चंचल बहुत ही शौक हो जाती है और अगर दीवार को गिरा दी तो आर्यन और सेजल को वो देख लेगी और इसलिए आर्यन भी सोचती है कि रिद्मा को मैं इसके बारे में पता लगाना नहीं लूँगी और उसके पहले मैं ही उसे मार दूँगी और एक कहकर वो एक डंडा उठा लेती है रिद्मा को मारने के लिए। लेकिन रिद्मा जब वो दीवार गिराने जाएगी और आर्यन भी वहाँ पीछे से उसे मारने आएगी तब दादी की आवाज़ सुनाई देगी, दादी रिद्मा कहकर फुका दे होती है और जो सुनकर रिद्मा को लगता है कि दादी कोई मुसीबत में है और दादी को उसकी जगह सोचकर वो वहाँ से चले जाती है, तो आर्यन और चंचल भी बहुत रिलीफ फील करते हैं कि रिद्मा को उसके बारे में पता नहीं चला, दादी ने उसे बचा लिया। और रिद्मा दादी के पास जाकर कहती है कि दादी क्या हुआ, अब क्या हुआ,
दादी कहती है तुम शांत रहो बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने एक पूजा की अरेंजमेंट की तुम्हारे एडवांस के लिए। तुम दोनों की शहादत पर जिंदगी के लिए हमने एक पूजा रखी है, और उसके लिए एक आदमी को भी बुलाया है जो इस अरेंजमेंट में हमारी मदद करेगी। तो रीमा कहती है कि लेकिन दादी बांस तो अभी यहाँ नहीं है। दादी कहते हैं कि बांस के साथ मेरी बात होगी और काल पूजा से पहले यह आ जाएगी। जो सुनकर रीमा के मुँह में स्माइल आ जाती है और वो फ्लैश करने लगती है, जो देखकर सिया उसे टीस करती है। कहते हैं कि देखो भैया के नाम पे भाभी के मुँह में स्माइल आ चुकी है। और वो रीमा के उस वक्त की एक फ़ोटो खींचती है और सोचती है कि बांस भाई को यह भेज देती है, उसे भी अच्छा लगेगा। और ये सोचकर वो बांस को उस फोटो भेज देती है। और दादी कहती है कि मैं जाकर देखती हूँ कि वो जिसने मैंने बुलाया वो आएगी नहीं। तब डोर बेल की आवाज़ आती है और दादी चेक करने जाती है। तब एक आदमी अपना नाका में वहाँ एंट्री लेती है और कहती है कि मैं बौद्धनाथ हूँ, आपकी पूजा की अरेंजमेंट के लिए मुझे भेजा गया है। तो दादी उसे बियर मैंसन में आने के लिए कहती है और बियर मैंसन को पहुँच चुकी है और उसे घर में एंट्री भी ले लिया। और तब दिखाता है कि वो नाका उस आदमी का अपना नाका हटाती है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि काबिर है। और काबिर अपने मन ही मन सोचती है मुझे सेजल को ढूंढना है, मैं बियर मैंसन पहुँच चुकी हूँ और सेजल को मैं ढूंढ लूँगी। और काबिर याद करती है वो कैसे असली बद्रीनाथ जिसे पहले ने बुलाया थी उसे अटैक की, और उसे अटैक करने के बाद उसे गेटअप लेकर काबिर खुद बियर मैंसन में पहुँच चुकी है। तो कितने लोगों को जान लेगी ये काबिर, और आप तो सेजल के पीछे पड़ा है और उसे ढूंढ लिया तो काबिर तो उसे जान से ही मार देगी, ये तो हम सब जानते हैं। आई होप करते हैं कि सेजल काबिर का हाथ ना लगे। आर्यन तो फिर भी ठीक है, उसके जान तो नहीं लिया अभी तक, देखते हैं आगे क्या होता है। और अगले दिन सुबह रीमा दादी के पास आती है और कहते हैं कि दादी आपने जिसे बुलाया था वो कहाँ पर है, मुझे उसे मिलना है। दादी कहते हैं कि वो फूल लेने गए हैं। और रीमा सोचती है कि मैं उसकी आईडी चेक कर लेती हूँ कि वो कौन है। और ये सोचकर वो उस बौद्धनाथ काबिर को मिलना चाहती है और दिखाती है काबिर अपना चेहरा एक फूल की बास्केट में छुपा कर रीमा की तरफ आ रही होती है। और रीमा भी काबिर के घर पर जा रही होती है और तब उनके उन दोनों को देख लेती है और सोचती है अगर रीमा काबिर के पास पहुँच गए तो उसको पता चल जाएगा कि कोई असली बौद्धनाथ नहीं है, एक काबिर है और मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए वो काबिर को बचाने के लिए रीमा को रोक देती और कहती है कि तुम पहले सिया को तैयार कर दो फिर बाकी काम होगा। और ये कहकर वो रीमा को वहाँ से भेज देती है और अपना बेटा काबिर को असली चेहरा सामने लाने से रोक देती है। तो कब तक ही काट पाएगा वो तो पता नहीं, लेकिन अभी के लिए तो काट दिया। और यह काबिर सोचती है कि रीमा तो पहले मुझे बहुत दूर से पहचान जाती थी, लेकिन आप क्या हो इतना पास हूँ मैं उसकी, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचान पाया। तो कैसे काबिल के मन में क्या फील हो रहा है, क्या उसके मन में दिखने के लिए कुछ फीलिंग्स है, लेकिन उतना साइको और सेल्फिश बिहेवियर के बीच में वो छुपा रखा है या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है रीमा का वैल्यू, वो तो आप आने वाले एपिसोड में पता चले गए। लेकिन काबिल आप रीमा से अपना ध्यान हटा कर ये सोचती है कि सेजल तुमने मेरे साथ रीमा को बताने से तुम नहीं बच जाओगी, तुम रीमा को मेरा साथ देना चाहती हो ना, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगी। और उस तरह दिखाते हैं कि आर्यन और चंचल सेजल को मुँह में पानी फेंकती है उसे होश में लाने के लिए और उसे कहती है कि हम लोगों ने तुम्हें फ्री कर देती है। और ये कहकर उसे मुँह में जो कपड़ा था वो हटा देती है और उसे हाथ भी खोल देती है। और चंचल आर्यन को बोलती है कि मुझे नहीं लगता इस लड़की में और कुछ सह पाएगी और इसे जिंदा रखना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बांस से लाइट से रीमा को हटाने के लिए इसका जिंदा रखना बहुत ही ज़रूरी है। और तब दिखाते हैं चंचल सिगल को खाना खिलाती है, उसे जूस देती है। ऐसा कौन करता है, एक किडनैपर को ऐसा होना चाहिए क्या जो उसे किडनैप किया उसे जूस पिला रही है, उसे खाना खिला रही है। जो भी हो सिगल खाना खाने के बाद उसे पूछती है आप तो बता दो रीमा के बारे में, उसका पास क्या था उसके बारे में बता दो प्लीज़, हम लोग इतना बुरा भी नहीं है कि किसी को मार दे, लेकिन रीमा के बारे में हमें जानना है और तुम हमें बताओ। और तब चंचल परेशान होकर आर्यन को कहते हैं कि अब तुम इसे संभालो, और आर्यन उसे कहते हैं कि पानी खाओगे, तो सेजल हाँ बोलती है और अपना हाथों से घड़ी खुलकर उस खाने के प्लेट में रख देती है और आर्यन उसे पानी देती है और वो पीती है। और सेजल मन में मन सोचती है तो
इस घोड़ी अगर मेरी माँ ने देख ली तो उसे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ और वो मुझे ढूंढ लेगी। तो एक्चुअली उस घोड़ी सीरियल का एक हिंट था, वो भी रिधिमा के लिए, जिसे रिधिमा पहचान कर उसे ढूंढ लेंगी। लेकिन आर्या और चंचल अपना मोटे दिमाग से ये नहीं सोच पाए थे और उसे नजर भी नहीं आई कि सीरियल ने अपना घड़ी खोलकर उस प्लेट में डाल दी। वो घड़ी किसी को नज़र में आ सकते ये आर्यन को नहीं समझ में आया। तो फ्रेंड्स वो आर्यन सीरियल का पूछती थी, तुम कुछ चाय कॉफ़ी कुछ लोगी? तो सीरियल कुछ कहने से पहले आर्यन कहते कि हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, हम यहाँ तुम्हें किडनैप करके लाए और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बताओ रिधिमा कुछ बॉयफ्रेंड था, कुछ पास्ट रिलेशनशिप कुछ था? रिधिमा कुछ अफेयर तो नहीं था ये पूछती है, लेकिन सीरियल कुछ नहीं बोलती और सिर्फ रोने लगती है। तब चंचल कहती है कि ये कुछ बोलने वाले नहीं है, पर तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी क्योंकि काली वहाँ आ चुकी है और अब आर्यन को डर लगने लगा है। पर वो काली उसके अंदर जाने की कोशिश करती है। तब आर्यन दरवाज़ा खोलती है और कहती है क्या है यहाँ, क्या कर रहे हो तुम? जिसे जिसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है तुम वो काम करो। तो काली कहती है कि आप गुस्सा मत हुई है, मैं शंख ढूंढने के लिए यहाँ आई हूँ। तो दादी कहते हैं यह शंख नहीं है, वो शंख स्टोर रूम में है। तो आर्यन कहते हैं कि तुम जाओ, अगर मुझे शंख मिल गया तो मैं लेकर आ जाऊँगी। और ये कहकर वो कबीर को वहाँ से भगा देती है। और कबीर बेचारा कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वो बद्रीनाथ की भेस में वहाँ आई है और वहाँ से वो चले भी जाती है। चंचल तब सीजल का पूछते हैं कि बताओ रिधिमा का कुछ पास्ट है, उसका कुछ बॉयफ्रेंड या कुछ भी है? ये बार बार पूछने से भी सीजन कुछ नहीं बताती। और तब आर्यन और चंचल बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर उस सीजन को एक बॉक्स में भर देती है और वहाँ से खावर की प्लेट लेकर चंचल वहाँ से चली जाती है। और जिस प्लेट में अभी भी सीजन की खड़िया है, तो क्या वो घोड़ी रिधिमा के हाथ लग जाएगी या फिर उसके पहले किसी और ने देख लेगी? चंचल भी मैंसन में इंच लेकर अपने हाथों में उस खावा खाने की प्लेट में, और वो सोचती है कि रिधिमा तुम्हें पता नहीं है कि अभी मैं किसको खाना खिलाकर आई हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और तब उसकी फ़ोन में किसी का कॉल आती है और वो प्लेट वहाँ छोड़ कर वो वहाँ से चली जाती है। और उस प्लेट को चंचल ने आर्यन का कॉल रिसीव किया, उसके साथ बात करते करते वहाँ से चली गई। और काफ़ी बेसमेंट में फिर से आ चुकी है और वहाँ सीजल को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे सीजल नहीं मिलेगा। तो सीजल गई कहाँ? एक्चुअली सीजल को आर्यन ने उस बॉक्स में कैद करके वहाँ कुछ और प्लेस में ले चुकी है। तो चंचल उसे कहते हैं कि तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? तो आर्यन पूछते हैं कि आपको पता नहीं है उस बेसमेंट में कौन आ गया था, इसलिए हमने सोचा कि इसे आप स्टोर रूम में रखना सेफ नहीं है हम लोग के लिए, इसलिए इसे लेकर आइए। अगर तुम उसे स्टोर रूम में रखती और कोई भी पूजा के अरेंजमेंट्स के लिए वहाँ कुछ भी ला लेने से आ जाती और उसे देख लेती तो हमारा सारा प्लान बिगड़ जाता, इसलिए उसे स्टोर रूम से हटा दिया। और इन्हें रिधिमा को वांस का कॉल आती है और रिधिमा के साथ वांस का बातचीत दिखाते हैं जो बहुत ही रोमांटिक और क्यूट भी है। तो रिधिमा वांस को कहती है कि मैं तुम्हें फिर से स्माइल करा दिया, क्योंकि सिया ने उसको रिधिमा का स्माइल वाली फ़ोटो भेज दी और रिधिमा को उसने मैसेज किया बहुत ही क्यूट लग रही हो तुम। और तब रिधिमा सोचती है कि तुम कब आ रहे हो और वांस से पूछ भी लेती है कि तुम कब आ रहे हो। तो वांस उसे कहती है कि मैं कब आ रही हूँ ये मैं तुम्हें बता दूँगी, लेकिन उसके पहले मुझे एक बातों का जवाब दो कि तुम मुझे इतना मिस क्यों कर रहे हो। जो सुनकर रिधिमा क्या बोलेगी वो ढूंढ नहीं पाती है और वो अपना मम्मी मन बात कर रही होती है और सोचती है तुम्हें मैं कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ और क्यों मिस कर रही हूँ। और वांसा कहती है वांस आई तो वांस कहती है क्या बताओ? तो रिधिमा कहती है कि मैं उस वजह से मिस कर रही हूँ जिस वजह से तुम मुझे मिस कर रही हो। तो वांस कहती है बहुत ही स्मार्ट हो, मैं इस जवाब से अभी के लिए तो खुश हो गया, लेकिन जब मैं लौट आऊँगी तो मुझे एक अच्छा जवाब चाहिए, जब मैं घर आऊँगी तो मुझे अच्छा वाला जवाब दे देना। तब रिधिमा कहती है कि ठीक है हम जब मिलेंगे तब देखा जाएगी। तब वांस कहती है कि आई विल सी यू सून,
एक ऐसा उन दोनों की बातचीत खत्म होती है। तो वांस आगे तो नाक किसकी हिम दे रही है और क्या मन की बात करने की कोशिश कर रही है, ये तो हम सभी को पता है। पर फोन रख कर रिधिमा जब घूमती है तब उसे उस खाने के पेट दिखाई दी और उसे सेल की घाड़ी भी दिखाई दी। तो उसे कह सोचती है कि ये तो सेजल का घोड़ी है, ये यहाँ कहाँ से आ गए। और तब रिधिमा को पता चल गया कि सेजल कुछ मुसीबत में है। तो आप रिधिमा सेजल को कैसे बचाएगी और वो आ तो बचा पाएगी या नहीं, या उसके पहले काबिर उस तक पहुँच जाएगी। लेकिन काबिर जिस तरह छानबीन कर रहे उसे तो साफ पता चलता है कि काबिर भी सेजल को इतना आसानी से रिधिमा का हाथ लगने नहीं देगी। और यहाँ तो न्यू प्रोमो भी आ चुका है जहाँ वांस के सामने आ चुकी है रिधिमा और काबिर का सच्चाई। वो कितना सच है कितना झूठ है ये तो नहीं पता। अगर आप उस प्रोमो के बारे में कुछ नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना अपडेट, आपका आज का अपडेट कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगले एपिसोड के इंतज़ार कीजिए। और हाँ, कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।